प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए, वाल्मीकि समाज ने राकेश टिकैत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उस पर रखे सब लेकर चलेंगे और उसका टेंट उखाड़ने का भी काम आज हम करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जतिन गोस्वामी फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी और बातचीत के लिए। जतिन बताएं पूरा मामला। आपको बता दें कि इसी हफ्ते हमने देखा था कि कैसे जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच जो झड़प है वो देखने को मिली थी, मारपीट हुई थी, पथराव हुआ था और तोड़फोड़ भी हुई थी। इसके बाद जो अज्ञात किसान है करीब 200, उन पर कौशाम्बी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद किसानों ने भी शिकायत दी थी बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ और उसमें भी एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दोनों तरफ से यानी कि मुकदमा दर्ज था, लेकिन जो ये सब हुआ था वो किसानों जब बीजेपी के एक नेता जो है उनके स्वागत समारोह के दौरान हुआ था, तो उसी बात से नाराज होकर ये जो संबंधित समाज के लोग हैं इनका कहना है कि इनके नेता के साथ वहां पर किसानों द्वारा बदसलूकी की गई और ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो किसानों पर होनी चाहिए। यानी कि सीधे शब्दों में समझें कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, किसान अपनी लगातार बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ ये बीजेपी के जो तमाम नेता और संबंधित समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं ये अपनी बात रख रहे हैं और आज ये अनोखा विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया है। एक गधे को लेकर ये पहुंचे हैं और वहां पर राकेश टिकैत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वाल्मीकि पार्क के पास ये प्रदर्शन जो है वो किया गया है, नवयुग मार्केट इलाके का ये पूरा मामला है और पुतला भी यहाँ पर राकेश टिकैत का फूंका गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका जतिन तमाम जानकारी बातचीत के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारी हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी दे रहे थे। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प का ही पूरा मामला है और इसी मामले को लेकर वाल्मीकि समाज ने राकेश टिकैत के खिलाफ प्रदर्शन किया है। गधा लेकर पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोग और नारेबाजी इन लोगों की ओर से की गई है। गाजियाबाद के नवयुग मार्केट इलाके का ये पूरा मामला है।